लिए कि पितामह भीष्म से कथा सुनेंगे, तदाते भ्रातर सर्वे, उनके चारों भाई तैयार हो गए, सदस्वे और बहुत सुंदर घोड़े के ऊपर स्वर्ण भूषिते, और बहुत सुंदर घोड़े के साथ रथ जुड़ा हुआ था और वह रथ सोने का बना हुआ था। ये लोग कथा सुनने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सोने के रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। देखिए किसी भी अवस्था में भगवत कथा सुननी चाहिए, चाहे सोने का रथ हो, लोहे का रथ हो, या पैदल हो, कैसी भी स्थिति हो, कथा सुने, ये सिद्धांत है। कुछ लोग तो इतनी निंदा, इतनी ईर्ष्या करते हैं। अब कर्म के अनुसार कोई भक्त यदि सुखी परिवार में जन्म लिया और कुछ अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छी गाड़ी में घूमता है, तो लोग कहते भगत होकर गाड़ी में घूमता है, तो क्या भगत को गाड़ी में नहीं घूमना चाहिए? अरे भगत होकर मटका सिल्क पहनता है, तो क्या भगत बिना कपड़े के घूमे? कुछ लोग भक्तों की इतनी निंदा करते हैं, वही लोग निंदा करते हैं जो भक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। पांडवों के जीवन में बताया गया कि भगवत कथा सुनने के लिए इस संसार में हमारे जीवन में जैसी भी स्थिति है, उस स्थिति में रहकर, चाहे सुखमय स्थिति हो या दुखमय स्थिति हो, उस स्थिति में रहकर भगवत कथा सुननी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। स्थाने स्थिता श्रुति कथा तनुवाक मनोरभीर, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो बहुत सुंदर रथ के ऊपर, सोने के रथ के ऊपर सवार होकर गए और अन्व गच्छन रथे विप्रा, और उसके युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वो भी गए, और वेदव्यास, धौम्य, नारद इत्यादि ऋषि मुनि थे राज्य में, वो भी युधिष्ठिर महाराज के साथ जाने लगे। अन्व गच्छन, और उस समय भगवान ने देखा कि ये सब लोग जा रहे, तो मैं क्यों रुक जाऊं, ये सब लोग कथा सुनने के लिए तैयार हो गए, जा रहे हैं, तो मैं भी चलूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान अपि विप्रर्षे रथे न स धनंजय। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम रुको, ये सबको अपने अपने रथ में जाने दो, अर्जुन तुम रुको, मैं अपना वो रथ निकालता हूं, अपना युद्ध वाला रथ निकाल रहा हूं, हम लोग हमारे रथ पर जाएंगे। देखिए ये श्लोक कितना सुंदर, भगवान अपि विप्रर्षे, भगवान भी जाने लगे। इस संसार में जो भक्त भगवान की चौखट पर गया है ना, जब उस भक्त के जीवन में कभी दुख आए, भक्त के जीवन में ऐसी स्थिति आए कि वह भक्त भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है, तो उस समय भगवान चलकर अपने भक्त के पास जाते हैं, उनको दर्शन देने के लिए और उनका दर्शन लेने के लिए। देखा कि पितामह भीष्म मेरे पास नहीं आ सकते, तो मैं जाऊंगा, भगवान अपने भक्तों के पास जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान को खोजने का प्रयास मत करो, ऐसा काम करो कि भगवान चलकर हमारे पास आए। आज ठाकुर जी श्याम सुंदर कृष्ण स्वयं तैयार हो गए और अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम रुको, हम अपना रथ निकालेंगे, हम हमारे रथ पर जाएंगे। चार चार घोड़े थे भगवान कृष्ण के रथ पर, और वही कुरुक्षेत्र की रणभूमि वाला रथ निकाला, अर्जुन को सवार किया। अर्जुन बैठे उस रथ पर। अब आचार्यों ने प्रश्न उठाया, कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी कारण है। पितामह भीष्म को भगवान कृष्ण का पार्थ सारथी रूप बहुत पसंद था। पार्थ सारथी है, कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे खड़े हैं, यह रूप पितामह भीष्म को बहुत पसंद था। आगे यह कथा आएगी, पितामह भीष्म जब स्तुति करेंगे ना, तो पितामह भीष्म कहेंगे, कृष्ण क्या आपका रूप था, आप तो सुंदर हो, लेकिन आप अपने भक्त की रक्षा करते हो तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है।
वे चार चार घोड़े वाले रथ को आप इतना तेज गति से चलाते थे और घोड़े के खुर से उड़ने वाली धूल आपके शरीर पर लगती थी, आप धूल दूषित हो जाते थे और घोड़े को चलाने में आपको पसीना निकल जाता था और वो पसीने की बूंद हीरे की तरह चमकती थी। सुंदर आपका मुख कमल और उसमें भी उद्यम करते हुए आपकी जुल्फे आगे आ जाती थी और जब जुल्फे बिखर जाती तो आपका रूप और सुंदर लगता था। कृष्ण ने कहा कि आप मुझे इतना प्रेम करते हो तो दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहे, मेरे पक्ष में रहते, दोनों के बीच में प्रेम। पितामह भीष्म ने कहा कि कृष्ण इसी दृश्य को देखने के लिए दुर्योधन के पक्ष में हूं। बाकी पूछो अर्जुन को, क्या देखा अर्जुन ने आपकी पीठ के अलावा, कुछ देखा अर्जुन ने? यदि आपके पक्ष में होता तो मात्र आपकी पीठ देखता, मुझे तो आपका रूप देखना था, इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा और मैंने आपका रूप देखा। कितना सुंदर भाव है ये, पार्थ सारथी रूप देखने के लिए पितामह भीष्म दुर्योधन की सेना। एक कारण ये भी है, तो पार्थ सारथी रूप के उपासक थे पितामह भीष्म, और भक्त जिस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उस भाव में भक्त के सामने प्रकट होते हैं। गीता में कहा ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसस्थैव भजाम्यहम्। जिस भाव से भक्त भगवान की भक्ति करता है भगवान उस भाव से प्रकट होते हैं। रामायण में कहा गया, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को माधुर्य भाव में कोई देखता है तो प्रियतम बनकर प्रकट होते हैं, वात्सल्य भाव से यदि कोई उपासना करते हैं तो पुत्र बनकर प्रकट हो जाते हैं, साख्य भाव से उपासना करने वालों के सामने सखा बनकर प्रकट हो जाते हैं, और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं ऐसे पापियों के सामने काल बनकर प्रकट हो जाते हैं उन दुष्टों को मारने के लिए। जैसी भावना, विदेश में एक भक्त हैं, उन्होंने अपने डिटीज का नाम रखा जिसे हमारे आरवड़े में है ना, शिशि राधा गोपाल, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर, राधा कुंज बिहारी। जैसे विदेश में एक भक्त हैं, उन्होंने अपने डिटीज का नाम रखा राधा रॉकी कृष्ण, क्योंकि वो रॉक डांसर था और उनका भाव था कि भगवान कृष्ण भी रॉक डांस करते हैं तो रॉकी कृष्ण। और जब उनकी मृत्यु हुई तो कृष्ण रॉक डांस करते हुए आए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जिस भाव से भक्त भगवान की भक्ति करता है भगवान उस भाव से दर्शन देते हैं, लेकिन आज का भक्त दर्शन की बात, भजन की और भाव की बात तो बहुत दूर रही, भगवान के मंदिर में भी नहीं जाता है। गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चला कर जा रहा है, एयर कंडीशन शुरू है, कांच बंद है, और बीच में यदि मंदिर आ गया तो गाड़ी को रोकता है, क्यों जानते हो? यदि नहीं रोकूंगा तो अपशुकन होगा, एक्सीडेंट हो गया, तो इस भाव से रोकता है, प्रेम नहीं है, गाड़ी को रोकता है, ब्रेक मारता है, उतरता नहीं है, अंदर बैठे बैठे हॉर्न बजाता है, दो तीन हॉर्न बजा कर ऐसे ऐसे करता है, कुछ निकल जाता है। ऐसे लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं और वहां यमराज जी उसकी बहुत पिटाई, बहुत धुलाई करते हैं, और उस समय कृष्ण और राधा रानी दोनों मर्सिडीज कार लेकर वहां से निकलते हैं और ये चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचाइए, लोग बहुत मार रहे हैं, बहुत पीट रहे, कमर टूट गई, पांव टूट गया, प्रभु, ये बहुत चिल्लाता है। तो उस समय कृष्ण ब्रेक मारते हैं, गाड़ी रुकती भी है और दो तीन हॉर्न बजाते भी है और दो तीन हॉर्न बजाकर वहां से सटक लेते हैं, प्रभु कहां जा रहे हो? बोले तू मेरे मंदिर में जिस प्रकार से आया मैं तेरे सामने उसी प्रकार आया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से भगत मेरी भक्ति करता है उस प्रकार से मैं उसे दर्शन देता हूं। तो भगवान अपने भक्त को, पितामह भीष्म पार्थ सारथी रूप के उपासक थे, इसलिए कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर रथेन रथेन स धनंजय, कृष्ण धनंजय अर्जुन के साथ रथ में बैठकर
गए और ये सब लोग एक साथ जा रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज की शोभा कैसी है, युधिष्ठिर महाराज कैसे लग रहे हैं? सतेव्य रोचत नृप कुबेर इव गुयके, कुबेर इव गुयके। इन सब लोगों के साथ भगवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज कुबेर, राजा कुबेर की तरह लग रहे हैं। जैसे कुबेर अनेकों अनुचरों के साथ चलते हैं और उनकी शोभा होती है, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज की शोभा आज बढ़ चुकी है। जो लोग कथा सुनने जाते हैं ना, उनकी शोभा बहुत अच्छी बढ़ जाती है। कथा सुनकर जब आदमी घर पर जाता है ना, आप देखिएगा कितना प्रसन्न होकर कितना हंसते खेलते जाता है। और 3 घंटा फिल्म देखकर जब आदमी घर में जाता है, लगता है कि इसका कोई मर गया है, है ना? फिल्म देखने जाते हैं तब तो वो खुश होता है, लेकिन देखकर जब वापस लौटता है ना, तब देखने जैसा होता है, है? माँ मर गई, बाप मर गया, कौन मर गया तेरा, तू इतना चिंता में है? लेकिन कथा में, कथा सुनकर जब कोई ज्यादा प्रसन्न, युधिष्ठिर महाराज की आज प्रसन्नता बढ़ गई, आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युत इवामरं प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा, सानुगा सहचक्रिणा। पितामह भीष्म के पास पांचों पांडव पहुंच गए और जैसे ही अपने पितामह को देखा, पांचों पांडव रथ से उतरकर पितामह भीष्म को दंडवत प्रणाम किए। पांचों पांडव ने प्रणाम किए और भक्तों हद तो तब हुई कि उस समय पांडव के साथ साथ अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण ने भी पितामह भीष्म को दंडवत प्रणाम कर दिया। भगवान ने भक्त को प्रणाम किया, धन्यवाद। प्रणेमु पांडवा भीष्मम, पांडवा पांडवों ने भीष्मम को प्रणेमु प्रणाम किया। स अनुग अपने अनुज के साथ, सह चक्रिणा चक्रिणा जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, ऐसे सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया। कृष्ण का एक नाम है चक्री, ये चक्री जो है ना कृष्ण का नाम, अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए चक्री, क्योंकि वह चक्र धारण करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम चक्री। कृष्ण के हाथों में चक्र है, सुदर्शन चक्र, और यह सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का सेवक है। जब कृष्ण की इच्छा होती है तब वो सुदर्शन के रूप में प्रकट हो जाता है और कृष्ण के मन की इच्छा पूर्ण कर देता है। और सुदर्शन चक्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आप लोगों ने नजदीक से निकट से देखा सुदर्शन चक्र? कभी कृष्ण से मिले होंगे, निकट से नहीं देखा? थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि आप लोग वैकुंठ में जाओगे तो ये सब, जिस लड़की का ससुराल में विवाह होना होता है तो ससुराल के विषय में जानने की इच्छा होती है ना, सास कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, देवर कैसा है, है? तो आप तो कथा सुन रहे हो इसलिए वैकुंठ जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वहां सब क्या कैसा है? भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, इसलिए कृष्ण का एक नाम है चक्री। यह सुदर्शन चक्र कृष्ण का सेवक है और इस सुदर्शन चक्र में धार है जिससे मस्तक कटता है। जानते हैं कितनी धार है? सुदर्शन चक्र में 1000 धार है। भागवत के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में कहा गया है। और उस सुदर्शन चक्र के ऊपर एक संस्कृत का शब्द लिखा है। आप कहोगे आप कैसे देख रहा है, मैं ऐसे ऊपर होके देखा था। उस सुदर्शन चक्र के ऊपर एक शब्द लिखा है, सहस्त्र हुमफट।
सुदर्शन चक्र के ऊपर ही लिखा है, सहस्त्र ओम पर। और इसे चक्र इसलिए कहते हैं, चरुहु कुरुवती ही इति चक्र है। चरु माने जो घूमते ही रहता है, वो कभी समाप्त नहीं, रुकता नहीं है। जैसे घड़ी का कांटा सेल समाप्त हो जाने पर रुक जाता है, ये चक्र कभी रुकता नहीं है, घूमते ही रहता है। इस सुदर्शन चक्र के अधिष्ठाता देव कौन है? भगवान नरसिंह देव। और भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत ये सुदर्शन चक्र के ही अवतार हैं। और ध्यान रहे, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को दो उंगली में पकड़ते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं भगवान का मूड कैसा है, यदि आपको जानना हो तो सुदर्शन चक्र दो उंगली में होता है। और जिस समय सुदर्शन को एक उंगली में कृष्ण ने ले लिया, समझो किसी के ऊपर चलने जा रहा है, तो उस समय वहां से आप हट जाना, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। सुदर्शन चक्र दो उंगली में भगवान रखते हैं, एक उंगली में यदि कर लिया, समझो कहीं जा रहा है। और इसी सुदर्शन के अवतार हुए कलयुग में निंबाकाचार्य, निंबाकाचार्य इस सुदर्शन के अवतार थे। और भक्तों, भगवान का सुदर्शन उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए निरंतर उनके आगे पीछे ही घूमते रहता है। भगवान ने पहले से ही सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया है कि मुझे पूछने मत आना, हे सुदर्शन, जहां पर मेरे भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हो, मुझे पूछना मत, तुरंत उसका गला काट देना, छोड़ना मत मेरे भक्त के अपराधी को। भागवत में कहता है ना, अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ने लगा। कथा जानते हैं ना, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में अम्बरीश महाराज की कथा है, अद्भुत कथा है। अम्बरीश जैसे पुत्र उन लोगों के घर पर होते हैं जिनका जीवन नीतिमय होता है। एक बहुत अच्छे राजा थे जिसका नाम था नभग। उस राजा नभग के चार पुत्र थे, उन चार पुत्र में सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। तो ये छोटा पुत्र था, छोटा था इसलिए गुरुकुल में पढ़ने गया था। अन्य तीन भाई मिले और मिलकर सोचा कि अब पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। तो किसी ने कहा कि वो छोटा जो गुरुकुल में पढ़ रहा है, उनको भी बंटवारे में कुछ देना चाहिए। बोले, उनको क्या देंगे, वो आएगा नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं। बोले, हम तीन भाग में पिता की संपत्ति को बांट लेते हैं। ये तीनों ने पिता की संपत्ति को बांट लिया और नाभाग गुरुकुल से पढ़कर आया, देखा कि सबने बांट लिया है। तीनों भाई को बुलाया, भाई संपत्ति का बंटवारा किया, मेरा भाग, मेरा हिस्सा कहाँ? तो तीनों भाइयों ने कहा, हाँ, हमने संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल बराबर किया है और हमारे पक्ष में, हमारे हिस्से में संपत्ति है और तुम्हारे हिस्से में पिताजी बचे हैं। तुम पिताजी को रखो, हमारे हिस्से में तो सब बांट लिया है। नाभाग अपने पिताजी के पास गए, पिताजी मेरे भाइयों ने आपको ठुकरा दिया है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। नाभाग अपने पिता की सेवा करने लगे, पिताजी प्रसन्न और कहा कि यहां से 10 किलोमीटर दूर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और प्रति 6 महीने में वो गलती कर रहे हैं, तुम उसे जाकर ये मंत्र सुना दो, उनका यज्ञ पूर्ण होगा और वो तुम्हें बहुत धन देंगे। नाभाग पिताजी के कहने पर गए और यज्ञ में वो मंत्र बताया, यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मण चले गए और सारी संपत्ति इनको दे दी, विपुल मात्रा में संपत्ति थी। सारी संपत्ति बटोर कर जब आ रहे थे तो दक्षिण दिशा में एक भयंकर काला पुरुष प्रकट हुआ और कहने लगा कि इस संपत्ति के ऊपर मेरा अधिकार है। बोले, नहीं, ब्राह्मण लोग मुझे देकर गए। नाभाग ने कहा, उस काले पुरुष ने कहा कि नहीं, मेरा अधिकार है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम अपने पिता को जाकर पूछ कर आओ। नाभाग उस संपत्ति को लेकर अपने पिता नभग के पास गए और कहा कि पिताजी बताइए, यज्ञ की बची हुई संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार है? पिता नभग ने कहा कि बेटा नाभाग,
यज्ञ की संपत्ति पर शिव जी का अधिकार है। बोले तो एक आदमी आया था, कह रहा था मेरा अधिकार, कहा बेटा तूने शिव जी का दर्शन किया, वो शिव जी है, जाओ ये सारी संपत्ति उनको दे। तो आज का बाप होता तो कहता 2-3 लाख रख ले, बाकी दे दे, क्या फर्क पड़ने वाला है, करोड़ों रुपये में 2-3 लाख निकल जाता है तो क्या पता चलेगा। नीतिमय जीवन था। शिव जी को सारी संपत्ति जाकर दे दी, बोले ना थे तो आपकी है। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने ईमानदारी से काम किया है इसलिए मैं तुम्हें ये सारी संपत्ति लौटा रहा हूं, और संपत्ति तो दुनिया में सबके पास होती है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। शिव जी ने ज्ञान दिया, और ऐसा नीतिमय जीवन नाभाग का था, और इसीलिए इस नीतिमय जीवन जीने के कारण नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, भगवान के परम भक्त और इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट। महाराज अम्बरीश के विषय में कहा गया कि निरंतर भगवान के भजन में मग्न थे। कहते हैं सप्त द्वीपवतीम महीन, ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी दुनिया उनके वश में थी। और ऐसे महाराज अम्बरीश पूरी दुनिया के राजा होते हुए भी वे अपनी दुनिया को और अपनी संपत्ति को माटी का ढेला समझते थे। संपत्ति क्या है? माटी का ढेला। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को पूछा कि इतने बड़े राजा फिर भी आसक्त नहीं थे? बोले थोड़े भी आसक्त नहीं थे। कारण क्या था? क्योंकि अम्बरीश महाराज कृष्ण के भक्त थे। सवे मन कृष्ण पदारविंद यो, जिन्होंने अपना मन कृष्ण के चरणों में लगा दिया था, जो अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करते थे, जिन्होंने अपने कान को भगवान की कथा सुनाने में लगा दिया, जिन्होंने अपने हाथ को भगवान की सेवा करने में लगा दिया, अपने चरण को भगवान के मंदिरों में जाने में लगा दिया, अपने जीवा को भगवान का प्रसाद खाने में लगाया, अपनी सभी इंद्रियों को महाराज अम्बरीश ने भगवान की सेवा में लगा दिया। महाराज अम्बरीश पूरी दुनिया के राजा थे लेकिन फिर भी महान भक्त थे। ऐसे राजा अम्बरीश के जीवन में एक घटना घटी। एकादशी का समय था, सौभाग्य से आज भी एकादशी है, एकादशी का समय, और कृष्ण की भक्ति करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ तिथि है, सभी तिथियों में श्रेष्ठ एकादशी, सभी व्रतों का राजा एकादशी। भगवान को प्रसन्न करना है एकादशी रहिए, क्योंकि एकादशी का नाम है माधव तिथि, हरिवात्सल, सीधे हरि प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने एकादशी को वरदान दिया है कि एकादशी के दिन जो व्रत रहेगा, उपवास करेगा, उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे भारत का इतिहास, एक राजा थे सूर्य वंश के, जिनका नाम था रुक्मांगद। राजा रुक्मांगद मिथिला के राजा थे। उनके राज्य में बहुत सुंदर बगीचा था, उनकी सुगंध स्वर्ग तक जाती थी। स्वर्ग में भी बगीचे हैं लेकिन उनकी सुगंध पृथ्वी पर नहीं आती। राजा रुक्मांगद के राज्य के बगीचे के फूल की सुगंध स्वर्ग तक आती थी। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों को लेकर इस पृथ्वी पर विचरण करने निकली, और वह सुगंध जब आने लगी तो राजा रुक्मांगद के बगीचे में पहुंच गई, और रुक्मांगद के बगीचे के फूल को तोड़कर पूरी रात भर विचरण किया, फूल तोड़कर चली गई। दूसरे दिन आई, फूल तोड़कर चली गई। प्रतिदिन का क्रम बन गया, जैसे ही रात होती शाम होती तो ये सारी अप्सराएं नीचे उतर जाती। किसी ने पूछा दिन को नहीं आती थी? बोले नहीं, दिन को आती होती तो ये मनुष्य लोग नहीं छोड़ते,
मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। द्वापर युग तक देवता दिखते थे, कलयुग में दिखना बंद हो गए। बहुत अच्छा किया, क्योंकि कलयुग में यदि कोई देवता दिख गए तो मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, देवताओं का हाल भी बेहाल कर दे। राजा रुक्मांगद अपने बगीचे के माली को कहने लगे, देखो हमारे बगीचे में कोई फूल नहीं होते। माली ने कहा, राजन रात को कलियां खिलती हैं, सोचता हूं सुबह फूल को उतार लूंगा, लेकिन सुबह देखता हूं तो फूल होते ही नहीं। राजा ने सोचा देव का विधान, कोई देवता आता होगा, श्रद्धालु धार्मिक राजा था। बोले कोई बात नहीं। अब इस प्रकार प्रतिदिन क्रम चलता रहा। एक दिन की बात, उर्वशी अपनी सखी अप्सराओं को लेकर इस पृथ्वी लोक पर आई। अब उर्वशी अर्थात स्वर्ग की टॉप मोस्ट सबसे सुंदर अप्सरा, और इस पृथ्वी पर आई, विचरण कर रही थी, फूल चयन करके जब लौट रही थी, तब राजा रुक्मांगद के उस बगीचे में बैंगन का पौधा था, और उस बैंगन के पौधे का कांटा उर्वशी के पांव में लग गया। स्कंद पुराण जैसे शास्त्र में बैंगन को अपवित्र कहा गया है, तो बैंगन का कांटा उर्वशी के पांव में लगने के कारण उनका पुण्य क्षीण हो गया। अन्य अवसर आए तो प्रतिदिन की भांति स्वर्ग में चली गई, लेकिन उर्वशी का पुण्य क्षीण होने के कारण अब वो स्वर्ग में नहीं जा पाई, फंस गई। अब धीरे धीरे रात बीतने लगी, उर्वशी डर रही है कि सुबह होगा और ये मानव आएंगे, ये मनुष्य लोग न जाने क्या करेंगे, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगी। उर्वशी रोने लगी। रात समाप्त हुई, दिन हुआ, राजा रुक्मांगद मॉर्निंग वॉक करने के लिए बगीचे में जाते होंगे, तो वह सुबह सुबह बगीचे में गए। दूर से रुक्मांगद को आते हुए देखकर उर्वशी तो कांपने लगी, एक तो ये मनुष्य है और उसमें भी राजा, और मुझ उर्वशी के साथ क्या सुलूक करेगा, मुझे तो कुछ। उर्वशी डरने लगी, क्योंकि बहुत सुंदर थी। ऐसा कहा गया है मनुष्य से कोटि कोटि गुना सुंदर अब देवता होते हैं, देवताओं से करोड़ों गुना सुंदर देवियां होती हैं, देवियों से करोड़ों गुना सुंदर अप्सराएं होती हैं, और अप्सराओं में भी सबसे सुंदर उर्वशी है, जिसको कभी पसीना नहीं होता, जो कभी बूढ़ी नहीं होती है। ऐसी उर्वशी के सामने आज पृथ्वी की लोगों की सुंदरता क्या है, कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े के समान। वे लोग जब नीचे देखते हैं तो सोचते हैं कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, फिर चाहे मिस यूनिवर्स हो, मिस इंडिया हो, या मिस सांगली हो, देवताओं के सामने देवताओं के कंपेयर में कुछ नहीं। आपके घर में चींटियां होगी ना, चींटियों के समाज में भी मिस चींटी हुआ करती होगी ना, उसके समाज में भी वो लोग फैशन शो करते ही होंगे ना, लेकिन ये चींटियों की सुंदरता हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार देवताओं के लिए हमारी सुंदरता कुछ नहीं। उर्वशी मन में सोचने लगी कि ये राजा मेरा भोग भोगेंगे, उनके हृदय उनका हृदय कांपने लगा। लेकिन राजा जब उर्वशी के पास आए और राजा ने जब उर्वशी को संबोधन दिया, उर्वशी तो अवाक रह गई। राजा ने देखा कि ये मेरे राज्य का की कोई स्त्री नहीं। राजा तुरंत उर्वशी के पास गए, कहा कि हे माँ, हे माते, आप यहां पर क्या कर रही हो। माँ सुना तब उर्वशी को शांति हुई। भक्तों, ये कोई साधारण राजा नहीं है, तो सूर्य वंश का राजा है, और सूर्य वंश के राजा को अपने मन के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। उनका मन कभी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता, और हमारे मन का कोई ठिकाना नहीं। अभी कथा में बैठे बाहर निकल फिर कहां चला जाए। रामायण में प्रसंग है, राम और लक्ष्मण जनकपुर में गए, तो भगवान राम ने विश्वामित्र जी को कहा, विश्वामित्र जी, ये लक्ष्मण जो है ना जनकपुर के बगीचे को देखना चाहते, थोड़ा दिखा दूं।
अब लक्ष्मण जनकपुर के बगीचे को देखना चाहता है, पहली बार आए तो तुम कौन 50 बार आ चुके हो है? राम भी पहली बार थे, लेकिन ये स्टाइल है, जाना था राम को लेकिन नाम लिया लक्ष्मण का। भगवान राम से सीखना चाहिए है? ये सब भगवान रामचंद्र की नीति है, कैसे व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम को जनकपुर में विचरण करना है, होने वाली पत्नी का गांव देखना है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है, मैं तो गया मारा है, गाना भी गाना है। तो जाना था राम को, लेकिन गुरुजी को कहे कि लक्ष्मण को जाना है तो मैं जरा दिखा दूं। देखिए, जब हम किसी के घर पर अतिथि बनकर जाते हैं और भोजन वे लोग कराते हैं, हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं और भोजन में खीर हमको अच्छी लगी और हमारी खीर समाप्त हो गई, तो इन्हें कहना चाहिए मेरे लिए खीर लाओ, नहीं अभिराम प्रभु के लिए खीर लाओ जरा, उसके लिए आएगी तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये भगवान श्री रामचंद्र का आचरण है। तो भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ वहां बगीचे में गए फूल चयन करने के लिए, और वहां पर भगवान रामचंद्र ने सीता का प्रथम दर्शन किया। भगवान राम सीता को देखते रह गए, सीता भी राम को देखते रह गई, एक दृष्टि से देखते रहे, और कुछ देर के बाद वह सखिया सीता को लेकर चली गई। लेकिन भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा, रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा, लखन मुझे मेरे सूर्य वंश के ऊपर, रघुवंश के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि मेरा मन पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता है, लेकिन आज मेरा मन पराई स्त्री के ऊपर, आज मेरा मन सीता के ऊपर गया है, तो निश्चित इसका अर्थ है कि यह सीता कल स्वयंवर में तुम्हारी भाभी बनने वाली है, अन्यथा मेरा मन उसके ऊपर कभी जा नहीं सकता। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंत दर भगऊन काहू, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंत दर भगऊन काहू, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंत दर भगऊन काहू, सहज स्वभाव। पहले के राजाओं को अपने मन के ऊपर पूर्ण विश्वास होता था कि हमारा मन कभी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता, और आज 60-60 साल के बूढ़े हो गए, अपनी बेटी के बेटी की उम्र की लड़की है, लेकिन फिर भी काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। आज के लोगों का पतन हो चुका है। पहले के लोग अपने मन पर पूर्ण विश्वास रखते थे। राजा दुष्यंत वन में शिकार करने गए, उनको प्यास लगी तो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। देखिए ये राजाओं के चरित्र, कण्व ऋषि के आश्रम में गए, कहा पानी दीजिए, तो उस समय कण्व ऋषि तो वहां आश्रम में नहीं थे, लेकिन एक स्त्री आई और राजा दुष्यंत को जल पिलाया। राजा दुष्यंत ने जल पिया, लेकिन उस स्त्री को, उस कन्या को देखा तो उसका मन उन पर आ गया। राजा थे, कहा कि मेरा मन तुम पर आ गया है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं कण्व ऋषि की कन्या हूं। राजा दुष्यंत क्षत्रिय थे और कण्व ऋषि ब्राह्मण थे। राजा दुष्यंत को इतना कॉन्फिडेंस था कि तुम कण्व ऋषि की कन्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं क्षत्रिय राजा हूं और मुझ क्षत्रिय का मन क्षत्रिय कन्या के ऊपर ही जा सकता है, और आज मेरा मन तुम्हारे ऊपर गया है तो तुम क्षत्रिय हो सकती हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकती। शकुंतला ने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण की कन्या हूं। राजा दुष्यंत ने कहा हो नहीं सकता,
उसी समय कण्व ऋषि आए और उस शकुंतला उस कन्या ने कहा, पिताजी सच सच बताओ मैं कौन हूँ, ये राजा कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो सकती। तब कण्व ऋषि ने कहा, बेटा तुम मेरी कन्या नहीं, तुम क्षत्रिय राजा विश्वामित्र की कन्या हो। पहले के राजाओं को अपने मन के ऊपर पूर्ण विश्वास हुआ करता था। राजा रुकमांगत उसी परंपरा के राजा है और किसी स्त्री के ऊपर मोहित होने वाले नहीं। एक बार यही उर्वशी रास्ते से जा रही थी, नारद मुनि रास्ते में मिल गए। उर्वशी नारद जी ब्रह्मचारी को देखकर मोहित हो गई और प्रस्ताव रखी कि आप मेरे साथ विवाह कीजिए। नारद जी तो भक्त हैं, भक्त की प्रत्येक इंद्रिया उनके वश में होती है। नारद जी ने कहा, देखो भाई मैं जानता हूं ये स्त्रियों के चक्कर में मैं फंसने वाला नहीं हूं। उर्वशी ने कहा कि मैं कोई स्त्री नहीं, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं। आपने जो भी सुना होगा स्त्रियों का चक्कर, वो तो पृथ्वी लोक की स्त्रियों के बारे में, मेरे विषय में आपने नहीं सुना। मैं परम सुंदर हूं। और यदि विश्वास नहीं, उसी समय उर्वशी ने हाथ में एक चक्कू ली और अपने पेट के पास अपना मांस काटा और निकाल कर दिखाया कि देखो मेरे शरीर में मांस मज्जा नहीं, मेरे शरीर से भी सुगंध आ रही है। तब नारद मुनि ने कहा कि हे माते, आप इतनी सुंदर हो, मुझे यदि पहले पता होता तो मैं आपके गर्भ से जन्म लेता, मैं आपका पुत्र बनकर जन्म लेता, लेकिन आपके साथ विवाह करने की बात कभी ना करता। ये है भक्तों का स्वभाव। राजा रुक्मांगद भक्त थे। उर्वशी को देखे, हे माते आप यहां कौन हो आप? उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, ये बैंगन के पौधे का कांटा लग गया, मेरा पुण्य क्षीण हो गया, मैं फंस गई हूं, आप मुझे स्वर्ग में भेजिए। राजा रुक्मांगद ने कहा, मैं कैसे भेजू स्वर्ग में, यदि मैं भेज सकता तो खुद न चला जाता। उर्वशी ने कहा कि मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, आपके राज्य में कोई पुण्यशाली व्यक्ति है? अब पुण्य देखने का कोई मशीन तो होता नहीं है, कोई मीटर तो नहीं कि भाई उस मीटर के ऊपर कोई चढ़ जाए तो पता चले इतना पुण्य है। बोले यदि कोई पुण्यशाली आदमी अपना पुण्य मुझे दे दे तो मैं उनके पुण्य से स्वर्ग में जा सकती हूं। राजा ने कहा, देखो वो भी सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं जानता कौन पुण्यशाली। उर्वशी ने कहा, ठीक है एक काम करो, आज द्वादशी है, कल एकादशी थी, एकादशी व्रत रहने से बहुत पुण्य मिलता है, आपके राज्य में कोई एकादशी रहता है तो उस एकादशी रहने वाले का पुण्य दे दो तो भी मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। राजा रुक्मांगद ने कहा, एकादशी किस चिड़िया का नाम है? एकादशी क्या है? जीवन में पहली बार एकादशी नाम सुना था। बोले एकादशी क्या होती है देवी, आप बताइए जरा। बोले एकादशी व्रत होता है, उपवास करना होता है जिससे पुण्य मिलता है। बोले मेरे राज्य में न तो कोई एकादशी जानता है न कोई एकादशी रहता है। उर्वशी ने कहा कि कल एकादशी थी, एकादशी के दिन, चलो एकादशी के बहाने नहीं लेकिन अन्य किसी भी बहाने कोई भूखा रहा हो, बुखार आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि उसको एकादशी के दिन खाने में कुछ न मिला हो, ऐसा कोई आदमी है? अनजाने में कोई भूखा रह गया हो, एकादशी व्रत रहा हो, ऐसा कोई आदमी? राजा ने कहा, मैं पता लगाता हूं कोई मिल जाए। राजा ने अपनी पूरी सेना को भेज दिया, ढूंढो कल के दिन कोई भूखा रहा हो उसे लेकर आओ। पूरे राज्य में ढूंढा गया, एक स्त्री मिली, उस स्त्री को राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया? बोले राजन कुछ नहीं खाया। बोले क्यों नहीं खाया? बोले मैं किसी बनिए के वहां नौकरी करती हूं और बहुत कंजूस आदमी, मेरे से गलती से एक 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 बोतल फूट गई, कुछ सामान देते हुए बोतल फूट गई और उस अपराध के कारण उन्होंने मुझे भोजन नहीं दिया और भोजन नहीं के करने के कारण रात भर में सोई भी नहीं, जागरण किया। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है कष्टाधि कष्टम सततम प्रवासी, निरंतर प्रवास करना यह सबसे बड़ा कष्ट है।
ततोधि कष्टम परगेहवासी, और उससे भी बड़ा कष्ट है दूसरों के घर पर रहना। ततोधि कष्टम कृपणस्य सेवा, और उससे भी बड़ा कष्ट है किसी कंजूस की सेवा करना, कंजूस के वहां नौकरी करना, आदमी कभी सुखी नहीं हो पाएगा। चाणक्य पंडित कहते हैं, कहा कि मुझे भोजन नहीं दिया, राजा ने कहा मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा लेकिन तुम अभी मेरे साथ चलो। उस स्त्री को लेकर उर्वशी के पास आए, उर्वशी इसने कल कुछ नहीं खाया। उर्वशी ने कहा कल एकादशी थी, तुमने तो अनजाने में एकादशी व्रत रह लिया। उर्वशी ने कहा हाथ में जल लो, संकल्प करो कि तुमने जो कल कुछ नहीं खाया, एकादशी व्रत रहा, उस एकादशी व्रत का पुण्य तुम मुझे अर्पण कर दो। जैसे ही उस स्त्री ने उर्वशी को पुण्य अर्पण किया, लाखों लोगों के देखते देखते वह उर्वशी सबके सामने आकाश के मार्ग से स्वर्ग में चली गई, स्वर्ग को प्राप्त हो। अनजाने में भूखे एकादशी के दिन भूखे रहने से जब स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तो जानकर प्रेम से भाव से यदि एकादशी रहे तो वैकुंठ की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है। अनजाने में जब स्वर्ग मिल सकता है तो जान, केवल एक एकादशी और वो भी अनजाने में रहने से स्वर्ग मिल सकता है, तो जीवन भर तक एकादशी रहे भाव से प्रेम से तो वैकुंठ अवश्य मिल सकता है, अवश्य मिल सकता है। राजा रुक्मांगत ने अपनी आंखों से देखा कि उर्वशी स्वर्ग में चली गई, क्योंकि राजा थे, राजा ने अपने राज्य का रूल बना दिया, बोले आज से मेरे राज्य में सबको कंपलसरी एकादशी रहना है और जो एकादशी नहीं रहेगा उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। धन्य है राजा, ऐसे ही राजा होने चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूं कि हमारे देश में ऐसा राजा आ जाए कि सबको गले में कंठी, भाल में तिलक और सोलामाला जाप करना है, नहीं तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। जीते जी राम राज्य। राजा ने कह दिया कि सबको एकादशी रहने और जो नहीं रहेगा उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो दशमी के दिन ढोल बजते थे और सबको अनाउंसमेंट किया जाता था, याद रहे कल एकादशी है, सबको पता चलता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। राजा की एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, सौम्य थी, और राजा का पुत्र भी था, क्योंकि राजा थे इसलिए राजा ने दूसरा विवाह किया। जब दूसरा विवाह कर रहे थे तो दूसरी पत्नी ने कहा देखो मैं आपके साथ विवाह करूंगी लेकिन मैं जो भी मांग करूंगी आपको कभी ना नहीं कहना है। राजा ने सोचा मैं तो राजा हूं, सर्वसमर्थ हूं, कभी ठीक है जो भी इच्छा होगी मैं ना नहीं कहूंगा। वो दूसरी पत्नी घर पर आई, रहने लगी, और दशमी का दिन आया, ढोल नगाड़े बजने लगे, अनाउंसमेंट होने लगा। एकादशी का दिन आया और वह दूसरी नई पत्नी ने कहा कि राजन ये क्या हो रहा है। बोले हमारे राज्य में यह नियम है कि सबको कंपलसरी एकादशी रहना है। रानी ने कहा आप भी रहोगे? बोले हाँ सब लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा। तब उस दूसरी पत्नी ने कहा देखो ये मेरा आदेश है कि आपको एकादशी नहीं रहना है। राजा ने कहा तुम्हारी सारी बातें मानूंगा ये नहीं मानूंगा। बोले आपने वादा किया है कि मेरी बात कभी नहीं ठुकराओगे, आपको एकादशी नहीं रहना है। राजा ने कहा अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, एकादशी रहना होगा मुझे। बोले नहीं रहना है। रानी ने जीत पकड़ ली, राजा दोनों हाथ जोड़ने लगे। सूर्यवंश के राजा थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये तो वचन दे चुके थे। बोले बोले एकादशी के लिए मुझे मना, मुझे ये मत करो। बोले नहीं एकादशी नहीं रहना है। राजा ने कहा दूसरा कोई विकल्प है? बोले हाँ एक विकल्प है, आप अपने हाथ में तलवार ले लो और अपने बच्चे का गला काट दो फिर आप एकादशी रह सकते हो, और वो आप कर पाओगे नहीं, इसलिए मैं कहता हूं आप एकादशी मत रहो। उस समय राजा की प्रथम पत्नी को पता चला। प्रथम पत्नी ने कहा राजन आप मेरे बेटे का गला काट दो लेकिन एकादशी मत छोड़ना।
उस समय वो बच्चे को पता चला, बच्चा भी दौड़ कर आया, पिताजी आप धर्म संकट में हो, आपको एकादशी रहना है और इसके लिए मेरा गला काटना पड़ेगा, पिताजी मैं तैयार हूं, आप मेरा गला काट दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा दिन मरने के लिए क्या होगा, पिताजी के लिए मरूंगा, एकादशी के दिन मरूंगा, मेरे लिए इससे बड़ा दिन और कोई नहीं होगा, आप मेरा गला काट दीजिए। राजा की पत्नी ने कहा, पुत्र ने कहा, और उस समय राजा ने अपने हाथ में तलवार उठा ली और तलवार उठाकर जैसे ही अपने पुत्र का गला काटने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर प्रकट हो गए, बस राजन हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, अपने पुत्र के गले को काटकर भी राजा ने एकादशी रहना स्वीकार किया, और हम लोग थोड़ा सा बुखार होता है आज एकादशी नहीं हो पाएगी, बताओ बड़ी महिमा है एकादशी की, एकादशी रहना चाहिए, एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए, फलाहार न कर सके वैसे तो निर्जला करनी चाहिए, निर्जला न कर सके तो सजला, सजना सजला न कर सके तो सफला, और सफला न कर सके तो कोई बात नहीं, अन्न मत खाइए, बाकी सब कुछ खाइए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का वास होता है, अन्न मत खाइए। और पहले के जमाने में एकादशी रहना कठिन था, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, मैं चार दिन से यहां पर हूं, अन्य दिनों में रोटी सब्जी दाल भात मिलता था और आज तो इतनी आइटम मैंने खाई, सोचा रोज एकादशी हो तो अच्छा है। अब एकादशी रहना कोई मुश्किल बात नहीं है, दूधी का हलवा बना दो, गाजर का हलवा बना दो, सामा की खीर बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ, क्या क्या बनाओ, अब तो सब कुछ मिल रहा है, खाओ, परंतु अन्न मत खाओ, नियम यह है, उपवास करना चाहिए, उपमाने निकट, वास माने बैठना, एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान से निकट बैठना चाहिए। तो आज एकादशी की यह पुण्य तिथि है और आज के दिन हम सब ये भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का पालन किए कर रहे थे, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, और राजा इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक थे, इसका कारण उनकी परंपरा में नभग नाभाग अम्बरीश अक्सर दान किया करते थे। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, यज्ञ दान तपस्या न त्याज्यम ये वही अर्जुन, यज्ञ दान और तपस्या किसी को नहीं त्यागना चाहिए, दान करें। भक्तों, इस दुनिया में अन्य अन्य जगहों पर दान करते हैं तो वह दान पुण्य माना जाता है, लेकिन भगवान के लिए, भक्तों के लिए, भक्तों के प्रसाद के लिए दान करते हैं तो वह पुण्य नहीं, वह शुद्ध भक्ति माना जाता है। उस दान के फलस्वरूप भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर अवसर है भक्तों का, भागवत कथा, सैकड़ों भक्त, यदि भगवान की कृपा से आपको धन मिला है ना, तो अपना धन इस अच्छे कार्य में इस्तेमाल कीजिए, वह धन भगवान के पास पहुंचेगा। धन की सबसे बड़ी गति यदि कोई है तो वो है भागवत, और भागवत में वैष्णवों को, भक्तों को प्रसाद खिलाना, सबसे बड़ी गति। एक बार एक भक्त जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उसके गांव में एक बहुत बड़े रईस आदमी थे, कहा कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, ये 100 रुपये लो, जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल देना। तो ये ब्राह्मण अनेकों गांव से चलते हुए जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में कुछ भूखे भक्त बैठे थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, भूख लगी थी, ब्राह्मण को दया आई और वहां रास्ते में भक्तों को भोजन करा दिया। वो जो 100 रुपये मिले थे जगन्नाथ जी की हुंडी में डालने के लिए, तो वो रास्ते में ही भक्तों को भोजन करा दिया, 98 रुपये खर्च हो गए, केवल 2 रुपया बचा। अनेकों दिन चलने के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचा और वे 2 रुपये जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल दिए। डालते ही यहां जो जिसने 100 रुपये दिए थे ना, उसके स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए,
भगवान ने दर्शन दे दिया उनको। इस संसार में मानो हम लोग भजन नहीं कर सकते हैं, परंतु जो भजन करते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। तन मन और विशेष धन से जब हमारा धन उनको देते हैं, सहयोग करते हैं, तो वो जो भजन करते हैं उनका फल हमें मिलता है। तो उसी फल स्वरूप भगवान उस गांव के उस रईस सेठ के सामने प्रकट हो गए और ये भी समझ गए कि मेरे ये दान का परिणाम है। इसलिए उन्होंने कन्फर्म किया, प्रभु कुछ दिन पहले हमारे गांव से एक आदमी गया था आपके जगन्नाथपुरी में, तो मैंने उनको 100 रुपये दिए थे, वो 100 रुपये आपको मिल तो गए हैं ना। वो कन्फर्म कर रहा था। ध्यान से सुनिए, कहा कि मैंने 100 रुपया भेजा था आपको देने के लिए, आपको 100 रुपये मिल गए। उस समय भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि 98 रुपीज मिल गए, 2 रुपये का हिसाब नहीं मिला। इसका अर्थ भक्तों की सेवा में, भक्तों को भोजन में जो खिलाया वो सीधा भगवान के मुख में गया, भगवान को मिल गया। करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं दान करने से हम खाली हो जाएंगे, कभी नहीं। दान देने वाला सदैव बड़ा होता है, सदैव बड़ा बनता है। और ये तो भगवान है, भगवान को देना है। उनके हजारों हाथ है, हम हमारे 2 हाथ से देते हैं, लौटाना होता है तब भगवान हजारों हाथों से देते। द्रौपदी ने क्या दिया था? साड़ी का एक थोड़ा सा धागा भगवान को दे दिया, और जब लौटाना हुआ तो भगवान ने कई मीटर साड़ी द्रौपदी को दे दी। सुदामा ने क्या दिया था? थोड़े से चावल दिए थे, और उसके बदले में भगवान ने सुदामा को पूरी द्वारका का ऐश्वर्य दे दिया। जब हम भगवान को देते हैं तो निश्चित भगवान हमारा ध्यान रखता है, देना चाहिए। ये भागवत ज्ञान यज्ञ है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, और इस यज्ञ में हम सबको हमारी योग्यता के अनुसार इस यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। बहुत सुंदर मौका है। तो महाराज अम्बरीश आज दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट बने, इसका यही कारण था कि उनके कुल में ऐसे पितृगण थे जो बहुत सुंदर दान किया करते थे। तो ऐसे महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगा। तो ये चक्री नाक से मुझे ये घटना याद आ गई। सूत जी कहते हैं, प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा सानुगा सहचक्रिणा। भगवान कृष्ण, पांचों पांडव, द्रौपदी, ये वेदव्यास जी, असित, नारद, ये सब लोग पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के मुख से कथा सुनना चाहते हैं, ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। यह बात वायु वेग से तीनों लोक में फैल गई और तीनों लोक में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों को पता चला। पता चलते ही पितामह भीष्म के मुख से कथा सुनने के लिए सब लोग अपने अपने शिष्यों को साथ में लेकर उस कुरुक्षेत्र की भूमि में आ पहुंचे। सुत जी कहते हैं, तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षय च सत्तमं राजर्षय च तत्रासन द्रष्टुं भरतपुंगवम्। तत्र उस समय उस भगवत कथा में उपस्थित होने के लिए ब्रह्मर्षय, दुनिया के जितने भी ब्रह्मर्षि थे, जितने भी देवर्षि थे, जितने भी राजर्षि थे, ये सब लोग अपने अपने हजारों हजारों शिष्यों को साथ में लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगव, भरत पुंगव भारत भूमि के वीर पितामह भीष्म के मुख से वह ज्ञान ग्रहण करने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए। तो भक्तों, बहुत सुंदर अवसर है, आज यहाँ पर हम लोग भीष्म स्तुति सुनने जा रहे हैं। वहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म स्तुति करने जा रहे हैं, तो उस समय
वहां पर तत्रोपद्रष्टुम भुवनम पुनाना, बड़े बड़े ऋषि मुनि पधार रहे हैं। पितामह भीष्म जहां प्रवचन करने जा रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं, और यहां पर भागवत कथा में पितामह भीष्म की स्तुति चल रही है। आज चौथा दिन है और कल पांचवा दिन है। कल पांचवें दिन में हमारे सांगली क्षेत्र में भी बहुत बड़े संत, बहुत बड़े ऋषि आ रहे हैं, और वह है हमारे लोकनाथ महाराज कल यहां पर पधार रहे हैं। कितना सुंदर योग है, वहां पितामह भीष्म की कथा सुनने के लिए दुनिया के ऋषि मुनि, और यहाँ हमारे गुरु महाराज कल पधार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कथा के दौरान गुरु महाराज की उपस्थिति होगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, लोकनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। इस गौड़ीय धारा में वे वर्तमान आचार्य हैं और भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं, जिनका जीवन आपके महाराष्ट्र में, उनका जन्म आरवड़े गांव में हुआ, और प्रभुपाद जी की भगवान की शरण ग्रहण करके अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। शुरू शुरू में भारत भ्रमण करते थे और पूरे भारत में भ्रमण करते हुए प्रचार करते थे। बहुत बहुत कष्ट सहन किया, बहुत परिश्रम किया, और धीरे धीरे करते हुए वे सन्यासी बने, और आज ये जो महाराष्ट्र है, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उनकी छत्र छाया में यहाँ पर इस्कॉन मंदिर डेवलप हो रहा है, भक्त समाज डेवलप हो रहा है। लोकनाथ स्वामी वर्तमान आचार्य हैं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की आज्ञा से लोकनाथ महाराज दीक्षा प्रदान करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कथा के माध्यम से हम सब भक्ति में लगे, भगवान के पवित्र नाम का जाप करें, और फिर भक्ति में अग्रसर होकर महाराज जी की शरण ग्रहण करें। लोकनाथ महाराज का दर्शन करने के लिए लोग विदेश से आते हैं, दुनिया के कोने कोने से महाराज जी का दर्शन करने के लिए, महाराज जी की कथा सुनने के लिए, और विशेष महाराज जी के मुख से कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। लेकिन वही महाराज आज हमारे बीच में, यहीं पर उनका जन्म हुआ, यही उनकी जन्मभूमि है। तैसे महाराज श्री कल आ रहे हैं, दो दिन हमारे साथ रहेंगे, रथ यात्रा में भाग लेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, मैंने महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि सात दिन की कथा है, रोज तो मैं सुनाता हूँ, एक दिन आप आइए, आप भी यहाँ के श्रोताओं को लाभ दीजिए और आपके पवित्र मुख से भगवत कथा सुनाइए। महाराज जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया है। कल आरवड़े गांव में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम भी है, आप सब आ सकते हैं, और परसों रथ यात्रा है, महाराज श्री रथ यात्रा में भाग लेंगे, कीर्तन करेंगे और इस व्यास मंच से भागवत कथा भी करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकाल कर भागवत कथा सुनने के लिए आए, आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप एकादशी है इसलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत सुंदर कथा करते, ऐसे लगता है कि ये कथा ऐसे जारी रहे, सात दिन, दिन में नहीं केवल हर समय चलती रहे, ऐसे लगता है, सही है ना? हरी बोल नहीं बोल रहे आप? ठीक है,
तो प्रभु जी का संग तो ऐसे कभी कभी मिलता रहेगा, लेकिन उनकी सीडीज बाहर स्टॉल पे बहुत सारी सीडीज है दुनिया भर में, अलग अलग स्थान में प्रभु जी जहाँ जहाँ भी कथा करते हैं उन सब की सीडीज बाहर अवेलेबल है। आप जरूर उन सीडियों को लीजिए और अपने मतलब हर समय उनको सुन सकते हैं। तो उसके अलावा बुक स्टॉल भी है और भगवद्गीता कोर्स भी होने जा रहा है, और जो भक्त चाहते हैं भगवद्गीता कोर्स में सम्मिलित होने के लिए तो अपना नाम वहाँ पे स्टॉल पे दे सकते हैं। और सांगली में हर रविवार और हर शुक्रवार के दिन प्रोग्राम होता है, प्रवचन कीर्तन होता है। हर रविवार के दिन होता है मुरलीधर मंदिर में जो कि मारुति चौक में है। हर रविवार को शाम को 6:30 बजे होता है भजन कीर्तन प्रवचन और महाप्रसाद। इसके अलावा हर शुक्रवार के दिन होता है दत्त मंदिर में जो कि है विश्राम बाग के दत्त नगर में, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा इस्कॉन अरोड़े की ओर से अलग अलग स्थानों में प्रोग्राम होते रहते हैं, मिरज में होता है शनिवार के दिन, और फिर कौठे महाकाल कराड़ और बहुत स्थानों में होता है प्रोग्राम। और जो श्लोकों का आपके पास हो, जो पर्ची दिया हुआ है ना पुस्तिका, उसको जाते समय आपको लौटाना भी है और कल प्राप्त करना है। और जैसे प्रभु जी ने बताया परसों रथ यात्रा होगी 9:00 बजे, सभी को सुबह भी आना है परसों रथ यात्रा में। और इसके अलावा और एक सूचना है, जो सूचना हम पहली बार दे रहे हैं वो है समर कैंप के बारे में। भक्त प्रहलाद समर कैंप होने जा रहा है आरवड़े में, वो है 21, 22 और 23 तीन दिन इसी महीने में। अगर आपके यहाँ अगर इसमें या फिर आपके घर में 5वीं से लेकर 10वीं तक अगर लड़के हैं आपके, तो उनको इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। जो कोई इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं उसके डिटेल्स बाद में मिलेंगे। और आप जो हमारे स्टॉल से बुक स्टॉल वहां से इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने जो सूचनाएं दी हैं उसमें दो महत्वपूर्ण सूचना, एक समर कैंप, इसमें 5वीं से 10वीं तक जितने आपके बच्चे होंगे तो बहुत ही अच्छा मौका है आरवड़े में 3 दिन रहने के लिए, और प्रसाद की व्यवस्था है उसका कुछ थोड़ा सा शुल्क है केवल लड़कों के लिए, और उनके उनके माता पिता भी आ सकते हैं इसमें। तो उनको निवेदन है कि अपना नाम यहाँ पे डोनेशन काउंटर पे अपना नाम दे 21, 22, 23 मई को। और इसी के साथ और एक महत्वपूर्ण सूचना जो जगन्नाथ रथ यात्रा की दी है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ जो होगा वो स्टेशन चौक से होगा, सांगली से, सांगली स्टेशन चौक से रथ यात्रा घूमते हुए यहाँ पे इस पंडाल तक आएगी। तो आप सभी को इस रथ यात्रा में उत्साह के साथ भाग लेना है। इसमें स्वयं जैसे प्रभु जी ने कहा कि महान संत गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज स्वयं इस रथ यात्रा में होंगे, तो उनका सानिध्य भी प्राप्त होगा। तो आप सभी को इस रथ यात्रा में भारी संख्या में आना है। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचना है। इसी के साथ आप में से जो कोई इच्छुक हो, एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसमें स्वयं श्रीमान लाल गोविंद प्रभु और इस्कॉन आरवड़े के भक्त हैं, तो 7 दिन की यात्रा है जो 25 मई से 31 मई उड़पी यात्रा होगी। इस यात्रा में 7 दिन की कथा होगी और अलग अलग जो तीर्थ स्थान है उस तीर्थ स्थानों में प्रभु जी की कथा रहेगी। और इसमें रजिस्ट्रेशन के कुछ फीस हैं, तो आपको इसमें 2 दिन हम्पी भी हैं, इसकी डिटेल जानकारी जो है आपको यहाँ पे डोनेशन स्टॉल के पास मिल सकती है। तो जिनको इस यात्रा में आना है उनको अपना नाम रजिस्टर करना है। तो इसकी फीस है केवल 4,500 रुपये है। हरे कृष्ण। और इसी के साथ प्रभु जी ने आज दान का महिमा बहुत सुंदर रूप से बताया, और आप सब लोग जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है 7 दिन का, तो ये कुछ ऐसे ही नहीं चल रहा है, आप सभी लोगों के सहकार्य से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके यह प्रोग्राम चल रहा है। तो आप सबको हम विनती करते हैं कि आपकी जितनी शक्ति हो यथाशक्ति इस कार्य के लिए, यहाँ पे अलग अलग सेवाएं जैसे प्रसाद है, मंडप है, बहुत सारे यहाँ पे सेवाएं हैं, इसमें आप अपना अपना योगदान जरूर बांटिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ विशेष अतिथि भी उपस्थित हुए हैं, हम उनका विशेष स्वागत करेंगे मंच पर, और फिर यहाँ पे शीघ्र ही भागवत आरती होगी। तो आज का जो प्रसादम है विशेष महाप्रसादम एकादशी का, श्रीमान मारुति गोसराड़े और श्रीमती शोभा गोसराड़े उनके परिवार ने दिया है, तो मैं उनको विनती करता हूँ कि वो मंच पे आए और प्रभु जी के हाथ से महाप्रसाद स्वीकार करें। हरे कृष्णा। श्रीमान मारुति गोसराड़े जी। इसी के साथ श्रीमान कृष्ण रसायन प्रभु जी जो इचलकरंजी से आए हैं, उन्होंने अकेले नहीं
इचल करण जी में भागवत कथा की थी और इस्कॉन आरोडे में बहुत सारे कार्यों में वो सेवा देते हैं और आज कई दो तीन दिन से भी यहाँ पे भागवत कथा सुनने आ रहे हैं, तो मैं उनको मंच पे यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो भी प्रभु जी के हाथों से यहाँ पे महाप्रसाद स्वीकार करें। और इसी के साथ एक इसी सांगली क्षेत्र के एक विशेष व्यक्ति श्रीमान अजीत दोरकर जी यहाँ पे आए हैं जो नगर सेवक हैं सांगली शहर के, तो उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए और प्रभु जी के हाथों से माला प्रसाद स्वीकार करें। हरे कृष्णा। और इसी के साथ आज जो भागवत आरती होने जा रही है इसमें जो नाम है श्याम सखी ग्रुप, आप सबको पता नहीं होगा यहाँ पे श्याम सखी ग्रुप इस विश्राम बाग में बहुत ही एक्टिव है। इसमें कोई 15-16 माताएं हैं और इन माताओं ने बहुत कष्ट लिया है इस भागवत कथा उत्सव के लिए और उन्होंने घर घर जाके धन इकट्ठा किया है और अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। मैं उनका नाम लूंगा, उन माताओं के यहाँ पे स्टेज पे आके आरती करना है। इसमें श्रीमती रूपा चौधरी माता जी, पूजा चौधरी माता जी, रेणु चौधरी माता जी, क्षमा शर्मा माता जी, एकता अरोरा माता जी, श्याम कांति माता जी, शुभांगी रसिका माता जी, शिवानी सर्वदेव माता जी, सालन माता जी, संध्या शिंदे माता जी, अरुणा सर्वदेव माता जी, वनिता वाघ माता जी, परी चौधरी, सपना मालू, सुनीता सावंत। तो ये माताओं को हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे एक बार हरी बोल करके, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो इन्होंने बहुत मेहनत किया है इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। हरे कृष्णा। इसी के साथ कल का प्रसाद श्रीमान शर्मा जी जो खरे हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने कल का प्रसाद दिया था, वो कल आ नहीं पाए हैं। अगर वो आए हैं तो उनको भी हम निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पे मंच पे आए। हरे कृष्ण। और श्रीमान बारवकर परिवार वो भी यहाँ पे हैं, तो कृपया मंच पे आए क्योंकि वो इस भागवत कथा के महत्वपूर्ण यजमान भी हैं। हरे कृष्ण। पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की धर्म भक्ति विज्ञान कान की महापुराण भागवत निर्मल भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुदा श्रीमय निदार तीरस निदान सुम ओषधि सरित गौरती पावन पुराण की विषय विलास विमोही हरिन विमल विराग एक विचासित भगवत परस प्रकाशनि परम ज्योति आत्मज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासन रसिकर दय रसिराग कबिलास भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा अकिंज प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो और एक सूचना है कि यहाँ पे जो आपके अभिप्राय पत्र